हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ प्रैक्टिकल फाइल। तो पिछले साल मैंने प्रैक्टिकल फाइल दिया था आईटी का, तो वहां पे कुछ कमेंट्स थे और काफी मैसेजेस भी मुझे मिले थे, और उसमें आप लोगों ने कहा था कि सर आपने डेमो तो दिया नहीं, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल अपलोड किया और प्रैक्टिकल फाइल को भी बताया क्या क्या क्वेश्चन है। तो अब मैं इस साल का जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें मैं आपको ऐसे देने वाला हूं कि आज पहले वीडियो में मैं कवर करूंगा ओपन ऑफिस जो राइटर है उसके क्वेश्चन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के, और लास्ट में ओपन ऑफिस बेस के। तो इस प्रकार से तीन वीडियो में देने वाला हूं प्रैक्टिकल फाइल के लिए, और वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे मैंने उसको तैयार किया है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ताकि पिछली बार ये सब क्वेश्चंस आए थे। तो इसलिए मैं आपको यहां पे तीन वीडियो देने वाला हूं प्रैक्टिकल फाइल के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला जो वीडियो है वो है आपका ओपन ऑफिस राइटर के क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो इस साल का क्या रहेगा, टर्म वाइज सिलेबस में क्या दिया है और क्या क्या चीजें हमें इसमें इंक्लूड करनी है। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है टर्म वाइज उसका प्रैक्टिकल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम के लिए है कि जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस दिन आपको 5-5 मार्क्स, मतलब एडवांस डॉक्यूमेंटेशन में से 5 मार्क, एडवांस स्प्रेडशीट में से 5 मार्क और 10 मार्क का डेटाबेस, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहां पे परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तब। और ये साल में एक बार प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करना है, ताकि यहाँ टर्म वाइज इसका बाइफरकेशन नहीं है, इसको डिस्ट्रीब्यूट टर्म वाइज नहीं किया है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये ईयरली होगा, तो ये तब आपको पूछा जाएगा। दूसरा वाइवा भी तब लिया जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड कंपोनेंट है वो है प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड विजिट। तो प्रोजेक्ट वर्क जो है मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाला हूं, कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल आपको दूंगा और वो भी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो या तो प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। तो यहां क्लियर लिखा है, साफ सुथरे अक्षरों में लिखा है, पोर्टफोलियो शुड कंटेन प्रिंट आउट ऑफ द प्रैक्टिकल डन यूजिंग राइटर कैलसी एंड बेस विथ मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स ऑफ ईच। तो यहां ओपन ऑफिस राइटर में से, ओपन ऑफिस कैलसी में से एंड ओपन ऑफिस बेज में से आपको 5-5 प्रोग्राम्स लेने हैं, और ऐसे करके आपको पोर्टफोलियो या तो प्रैक्टिकल फाइल दोनों ही ऐसे प्रिपेयर होंगे। इसका मतलब यही है, पोर्टफोलियो के लिए अलग कोई चीज यहाँ पे बताई नहीं है। पोर्टफोलियो ऑब्लिक प्रैक्टिकल फाइल वो जो दो कहते हैं वो दोनों एक ही है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। जो प्रैक्टिकल वर्क आपने किया है उसमें से 5-5 आप रख सकते हैं, या अगर प्रैक्टिकल वर्क नहीं है तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज हम देखेंगे ओपन ऑफिस राइटर के वो 5 क्वेश्चन, वो कौन से क्वेश्चन है। तो मैंने ओपन ऑफिस राइटर के जो लर्निंग आउटकम है उसी लर्निंग आउटकम से यहाँ पे लिए है क्वेश्चन और प्रैक्टिकल ये बनाए हैं। तो देखिए सबसे पहला असाइनमेंट आपको यहाँ मिलेगा। सबसे पहले असाइनमेंट में है उसका ऑब्जेक्टिव, यूजिंग वेरियस कमांड्स टू क्रिएट स्टाइल्स इन ओवरराइटर। तो यहाँ पे डिफरेंट कमांड से आप कैसे स्टाइल्स क्रिएट कर पाएंगे ओपन ऑफिस राइटर में, तो उसके बारे में बताया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, टाइप पैराग्राफ विथ एटलीस्ट 100 वर्ड्स एंड क्रिएट बिलो गिवन स्टाइल्स एज इंस्ट्रक्टेड। तो कोई भी पैराग्राफ आपको टाइप कर लेना है, मैं यहाँ थोड़ा बहुत सेंटेंस लिख के कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बाकी आप समझ जाएंगे, समझाने के लिए वो इनफ रहता है। हेडिंग, फॉन्ट नेम, तो फॉन्ट नेम यहाँ पे जो है टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, साइज 24 चाहिए हेडिंग के लिए, उसके बाद कलर रेड चाहिए। गिव द स्टाइल नेम ड्रीम हेडिंग, तो इसका नाम रहेगा ड्रीम हेडिंग। और यहाँ लिखा है यूज क्रिएट स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन कमांड टू क्रिएट स्टाइल। दूसरा है पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्या करना है, अप्लाई स्टाइल टेक्स्ट बॉडी फ्रॉम स्टाइल गैलरी। तो यहाँ पे टेक्स्ट जो आता है उसमें क्या देना है आपको, जो टेक्स्ट आप लिखेंगे तो उसमें यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट, उसके बाद अप्लाई करेंगे बॉडी स्टाइल, जो एक इनबिल्ट बॉडी स्टाइल है। तो यहाँ पे क्रिएट स्टाइल फ्रॉम गैलरी या अप्लाइंग स्टाइल फ्रॉम गैलरी, ये वाला ऑप्शन कमांड यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो है कोट, फॉन्ट नेम ब्रॉडवे साइज 16 कलर ब्लू अलाइनमेंट सेंटर, गिव द स्टाइल नेम ड्रीम कोट, और इसको ड्रीम कोट स्टाइल नेम दे देना है, फिर आप कैसे भी उसे अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे एक बना करके दिया है, पर मैं आपको यहाँ परफॉर्म करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले ओपन ऑफिस यहाँ पे ओपन कर लीजिए, यहां जाएंगे ओपन ऑफिस को ढूंढेंगे और ओपन ऑफिस को खोलेंगे, राइटर, ओपन ऑफिस राइटर,
अब यहां पे क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इसको मैं पहले जूम कर लेता हूं। ओके, अब यहां पे देखिए सबसे पहले हमें हेडिंग देना है, तो हेडिंग आप अपने हिसाब से यहां बना लीजिए, कोई ऐसा कुछ फिक्स यहां दिया नहीं है, तो मैं यहां हेडिंग बना देता हूं फ्रेंडशिप। अब ये फ्रेंडशिप है, इसका साइज यहां क्या देना है देख लीजिए फॉर्मेटिंग में, टाइप अ पैराग्राफ विथ 100 वर्ड्स, वो तो टाइप कर लेना है आपको। फॉन्ट नेम टाइम्स न्यू रोमन, साइज 24, तो ये टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और साइज 24 होना चाहिए। तो चलिए यहां पे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे और सबसे पहले यहां से न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ये आपको कर देना है। यहां पे स्टाइल का नेम दे दीजिए, क्या है, ड्रीम हेडिंग, तो यहां पे मैं नाम दे देता हूं ड्रीम हेडिंग। ओके, तो ये स्टाइल क्रिएट हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे वो फॉर्मेटिंग, तो राइट क्लिक करके आपको करना है इसे मॉडिफाई। जैसे ही मॉडिफाई करेंगे ये ऑप्शन खुल जाएगा, यहां पे टाइम्स न्यू रोमन है और साइज 24 देना है, तो यहां पे हेडिंग का साइज है अपना 24। कलर वगैरह है वो देख लेते हैं, कलर रेड, तो यहां पे कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, फॉन्ट इफेक्ट्स में कलर आएगा और यहां से सिलेक्ट करेंगे रेड रेड। अब इसे कर देंगे अप्लाई, तो इसी प्रकार से ये अप्लाई हो चुका है स्टाइल। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप फॉलो करना है, तो ये ड्रीम हेडिंग जो है वो अप्लाई हो चुका है यहां, और अगर करना है तो ये वाला है, ड्रैग सीधा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के लिए आप टाइप कर लीजिए, यहां पे नॉर्मल कर देते हैं अप्लाई डिफॉल्ट डिफॉल्ट, फ्रेंडशिप इज वन थिंग दैट एवरीवन नीड्स इन अ लाइफ। चलिए पैराग्राफ मैंने यहां कुछ लिख दिया है, अब कंटिन्यूसली से कॉपी पेस्ट करता जाता हूं। चलिए इतना काफी है, अब ये मैंने सेव कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका जो स्टाइल है वो देंगे, तो यहां पे यूज स्टाइल क्रिएट स्टाइल वाला हो गया है, अप्लाई टेक्स्ट बॉडी, तो यहां पे बॉडी सीधा अप्लाई कर देना है हमें, तो बॉडी यहां पे होगा टेक्स्ट बॉडी, ये रहा टेक्स्ट बॉडी, और पूरे पे अप्लाई करना है तो सिलेक्ट करके ऐसे दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है स्टाइल, जैसे ही आप करेंगे यहां पे अप्लाई हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि जो अप्लाई हो चुका है उसके बाद जो थर्ड पॉइंट यहां पे है वो है कोट, तो कोट यहां पे कुछ लिख देते हैं, कोट फ्रेंड्स इन नीड क्या होता है, ओके फ्रेंड्स आर ऑक्सीजन फॉर अस, चलिए ऐसा लिख दिया, और इस कोट का यहां पे जो है ब्रॉडवे, तो यहां पर भी सेम वही चीज करनी होगी, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, इसका नाम दिया है ड्रीम कोट, ड्रीम कोट, और अब इसे कर लेता हूं मैं एडिट मॉडिफाई, फॉन्ट यहां पे लेंगे ब्रॉडवे, ब्रॉडवे, और साइज यहां पे है 16, कलर ब्लू साइज रहेगा 16, कलर रहेगा ब्लू। चलिए स्काई ब्लू भी कर दिया है, तो इसी प्रकार से ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से आप बना लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट आपको अटैच कर देना है और ये जो परफॉर्म किया है उसके स्टेप्स आपको यहां पे लिख देने हैं। तो मैंने भी वही चीज किया है, पहले आपको सॉल्यूशन में यहां पे दिखा दिया है इस तरीके से, उसके बाद यहां पे स्टेप्स लिख दिए हैं, तो आप इसी प्रकार से स्टेप लिख करके इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट एंड यूज इमेजेस, तो इस प्रकार से, तो सेम वही पैराग्राफ ले लेंगे, इसमें पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूं मैं, इंसर्ट पिक्चर, तो यहां पे पिक्चर मिल जाएगा, पिक्चर फ्रॉम फाइल में, और कोई भी पिक्चर ले लेते हैं अभी,
यहाँ पे पिक्चर्स में कोई पिक्चर्स दिख जाएगा तो यहाँ तो कुछ है नहीं। चलिए अभी सेव्ड पिक्चर्स में भी ये एक है। चलिए इसमें से कोई भी पिक्चर उठा देता हूँ मैं अभी तो फिलहाल, ये ले लिया। चलिए लोगो ले लिया मैंने, और ये इतना बड़ा आ जाता है, इसे रिसाइज करेंगे सबसे पहले। आगे का जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। इंसर्ट पिक्चर ऑफ योर चॉइस हो गया। एडजस्ट द पिक्चर एट द टॉप लेफ्ट टू द पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के टॉप लेफ्ट में ले जाना है इस पिक्चर को। तो और थोड़ा छोटा करके ले जाते हैं, यहां से ऊपर करके टॉप लेफ्ट। तो ये है पैराग्राफ का टॉप लेफ्ट, बट यहां पे टेक्स्ट यहां चली गई। तो अब क्या करना है, उसे एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हम करेंगे राइट क्लिक, और यहां पे हमारे पास ऑप्शन है रैप। रैप में ऑप्टिमल रैप ऑप्शन जो है पेज रैप, वो आपको इस तरीके से सेट करके देगा। यहाँ पे पैराग्राफ थोड़ा छोटा पड़ रहा है, देखिए। तो इस प्रकार से करना है। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, एडजस्ट द पिक्चर हो गया। इंसर्ट सम शेप्स एंड राइट एडिशनल टेक्स्ट इन टू द शेप्स। तो ये जैसे है तो कोई भी शेप यहां से ले लेंगे, ये ड्रॉइंग वाले में से, ड्रॉइंग वाले टूल बार में। अभी शेप मैं ले लेता हूं ये, और ये इसमें टेक्स्ट लिख दीजिए फ्रेंड्स। पर अभी यहां पे ये टॉप पे दिख रहा है, तो इसे भी हम ऐसे अरेंज करेंगे इसको, और अरेंज इसको उसी प्रकार से करना है, ऑप्टिमल पेज रैप, तभी ये अच्छे से कर पाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ऑप्टिमल पेज रैप ऑप्शन यूज होगा रैपिंग में, इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये है इसका सॉल्यूशन, और स्टेप में भी सेम वही चीज मैंने लिखी है। बाकी पैराग्राफ का अलाइनमेंट वगैरह आप जानते हैं, उसको कर लीजिए। तो स्टेप्स यहाँ पे वही सेम लिखे हैं सारे, तो इसी तरीके से कर सकते हैं। और पिक्चर में ये भी कर सकते हैं, पैरेलल ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं रैप में। तो पिक्चर में होगा, शेप में आपको ऑप्टिमल पेज रैप ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। तो टेम्पलेट वाला है कि क्या करना है आपको, पहले एप्लीकेशन राइटिंग फॉर्मेट जो है वो प्रिपेयर करनी है, और उसके हिसाब से यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो दिया है, तो इसी हिसाब से ये जो दिया है सेम वैसा बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ नई फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीजें है, स्कूल लोगो, तो उसके लिए एक शेप डाल देते हैं अभी, ताकि वहां पे इमेज आ जाए। ये आ गया आपके स्कूल लोगो के लिए। तो पहले जो सेटिंग जो जो चाहिए वो सारी चीजें हम कर देंगे। यहाँ पे लिखा है स्कूल नेम, उसके बाद यहां पे आएगा स्कूल एड्रेस। तो ये दो चीजें हो गई यहां पे। अब क्या करना है, आगे हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, और यहां पे हमारे पास है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लाइन लीव एप्लीकेशन, आपके पास अगर अच्छा बढ़िया फॉर्मेट है तो वो भी बना सकते हैं। मेन चीज है टेम्पलेट में आना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर, और यहां पे लिख देंगे रीजन। तो रीजन चेंज होगा बस, और रिस्पेक्टेड क्लास टीचर ये लिख दिया यहां पे। उसके बाद यहां पे जो फॉर्मेट में लिखा है माई सेल्फ ब्रैकेट में स्टूडेंट नेम, फिर आएगा रोल नंबर, उसके बाद आएगा ऑफ क्लास। क्लास यहां पे लिखना है ऐसे डैश, फिर आएगा सेक्शन, सीकिंग लीव फॉर, यहां पे नंबर ऑफ डेज, फ्रॉम, यहां पे डेट वन लिख देता हूं मैं, डेट वन टू डेट टू। काइंडली ग्रांट माई लीव फॉर, और यहां पे एक बार फिर से रीजन मेंशन करेंगे, और लास्ट में यहां पे
सिंसियरली योर्स, और यहां आ जाएगा स्टूडेंट नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो जो ब्रैकेट वाला है उसमें यूजर अपना डिटेल करेगा चेक, क्लास टीचर्स सिग्नेचर और लास्ट में डेट। तो ये बन चुका है फॉर्मेट। अब कैसे टेम्पलेट सेव करते हैं? टेम्पलेट सेव करने के लिए आपको सीधा जाना है फाइल में और यहां पे सीधे चले जाइए, जो फॉर्मेटिंग देना है दे दीजिए अपने हिसाब से। यहां पे टेम्पलेट्स में जाएंगे और सेव करेंगे। तो जैसे सेव करेंगे पूछेगा, तो यहां पे आप नाम दे दीजिए, लीव एप्लीकेशन टेम्प, मैंने ऐसा नाम दे दिया था कि टेम्पलेट ऑलरेडी मैंने जब ये सॉल्यूशन बनाया था तो दे दिया था, इसलिए इसको मैं कर देता हूं। तो ये बन गया आपका पहला फॉर्मेट। अब जो टेम्पलेट बना है क्या क्या चीजें करनी है उसमें, तो इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में आप देख लीजिए, अप्लाई फॉर्मेटिंग, सेट दिस टेम्पलेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब इसको डिफॉल्ट टेम्पलेट करना है। अब देखिए जैसे अभी करते हैं, ये डिफॉल्ट है नॉर्मल। अब डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम नई फाइल ले इसी टेम्पलेट पे खुलनी चाहिए, इसी टेम्पलेट के साथ खुलनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे, जाएंगे फाइल में, करेंगे इसे ओपन ऑर्गेनाइज डायलॉग बॉक्स को, यहां जाएंगे माय टेम्पलेट्स में और यहां हमारा जो टेम्पलेट है उसे लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहां पे सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो ये हो गया आपका काम, देखिए। तो ये इसी तरीके से हो जाता है। तो ये डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट हो गया। लास्ट में चेंज द डिफॉल्ट टेम्पलेट टू कस्टम टेम्पलेट, चेंज द फॉर्मेटिंग एज यू विश। तो ये तो फॉर्मेटिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं और डिफॉल्ट टेम्पलेट को कस्टम टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली हो गया जब हमने ऑर्गेनाइज वाला परफॉर्म किया। तो इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। अब जब भी नई फाइल खोलेंगे तो आपको इसी टेम्पलेट में मिल जाएगी। अगर नॉर्मल कर देना है तो इसे रिसेट कर देंगे फिर से, फाइल टेम्पलेट और ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करके यहां पे हम करते हैं इसे रिसेट, यहां पे रिसेट लिखा है इसे कर दीजिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो अब जब नया खोलेंगे तो ये आ गया। तो इसी तरीके से कस्टम टेम्पलेट और दोनों सेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इंप्लीमेंट मेल मर्ज आ गया, ओके, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4, इंप्लीमेंट मेल मर्ज नहीं है, यहां पे टाइटल चेंज कर देता हूं मैं। अभी तो अभी हमारे पास ये है, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये भी थोड़ा सिंपल है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हमें ऐसे हेडिंग बनाना पड़ेगा, यहां पे कुछ लिखा है उसी तरीके से। तो ये कुछ स्टेप्स वगैरह मैंने लिखे हैं यहां पे, तो यही चीज हम वहां पे लिखेंगे। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। पहले मैं हेडिंग दे देता हूं कंप्यूटर और इसको कर देंगे हेडिंग 1। तो टूल टेबल फॉर्मेट में से स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ओपन करेंगे, हेडिंग 1। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए, कंप्यूटर इज एन करके ये मैंने लिख दिया इसके बारे में। अभी आप समझ सकते हैं कि ये पूरा कंटेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग यहां पे आएगी मोबाइल, ये भी हेडिंग 1 डाल देता हूं मैं। तीन हेडिंग, चार हेडिंग बना लेता हूं मैं ताकि इससे आपको समझ में आ जाए। आपको प्रॉपर पैराग्राफ लिखना है, ओके। मोबाइल में अभी डालता हूं मैं टच स्क्रीन, जो सब हेडिंग होगी, तो इसीलिए डालेंगे हेडिंग 2। तो मोबाइल के अंदर जाएगा ही, इसमें भी मानो ऐसे कंटेंट हमने लिखे हैं। इसके बाद यहां पे फिर से चेंज हो गया हेडिंग और आ गया टैबलेट। टैबलेट मेन हेडिंग है हमारा, नया टॉपिक चेंज हुआ इसीलिए मेन हेडिंग। अब इसको प्रॉपर कंटेंट में डाल दिया। टैबलेट के बाद टैबलेट का कोई पार्ट है तो वो हम डालते हैं, इनपुट पैनल। तो इनपुट पैनल करके यहां पे डाल दिया हेडिंग 1 और ये हेडिंग 2 आएगा,
ताकि उसका पार्ट है इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो कंप्लीट हुआ है, अब क्या करेंगे हम, इसे सेव करेंगे पहले। तो सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, आप मैं अनटाइटल 4 ही नाम रखता हूं। अब आपको क्या करना है कि सारे हेडिंग आपके पास अवेलेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है। तो कर्सर रखिए, जाइए इंसर्ट में, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, यहां ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट में, इंडेक्सेस एंड टेबल्स कहां गया, इंसर्ट एक बार फिर से देखता हूं मैं, इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल, ये रहा इसमें इंडेक्सेस एंड टेबल। जैसे डायलॉग बॉक्स खुलता है आप देखिए, उसमें सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं यहां दे सकते हैं। जैसे कि आप देना चाहते हैं कि कंटेंट्स या तो टॉपिक्स कवर, यहां पे मैं देना चाहता हूं कि टॉपिक्स कवर, तो यहां पे हेडिंग आप दे सकते हैं। उसके बाद एंट्रीज में देखिए कि एंट्रीज क्या क्या डालनी है, तो यहां पे लेवल, दो लेवल के हेडिंग है तो मैंने दो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, तो मुझे नंबर चाहिए चैप्टर नंबर के साथ, तो ई हेल्प पे मैंने क्लिक कर दिया। कैरेक्टर स्टाइल, यहां से कोई भी स्टाइल आप अगर सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। बुलेट्स, कैप्शन कैरेक्टर, बुलेट्स में कैसा आएगा तो बुलेट्स आएंगे उसके आगे, कैप्शन कैरेक्टर्स तो कैप्शन कैरेक्टर दिखाएगा। तो इस हिसाब से है, अलग अलग सारी चीजें हम अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी मैं दे देता हूं बुलेट्स में, बुलेट्स, और इसे कर देते हैं कंप्लीट। अब स्टाइल्स में अगर कोई स्टाइल स्पेशली चाहिए तो यहां से ले सकते हैं, हालांकि ऑल स्टाइल्स अप्लाई है यहां पे, तो ऑल स्टाइल्स अप्लाइड है तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके कर दीजिए, तो जैसे ही ओके करेंगे उसी वे में यहां पे दिखेगा, देखिए बुलेट्स वगैरह जो किया था आ गया, लाइन आ गई। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो यही चीज मैंने यहां पे एक्सप्लेन करके पूरा नीचे स्टेप्स भी लिखा हुआ है, तो आपको यहां ये स्टेप्स मिल जाएंगे। तो ये इसी तरीके से काम करता है। उसके बाद लास्ट है मेल मर्ज। मेल मर्ज वाले के लिए काफी सिंपल चीज है, यहां पे एक मेल मर्ज किया है डॉक्यूमेंट, तो मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूं इसी के ऊपर। मानो ये लेटर है आपका, आपको लेटर टाइप करना है, उसके बाद चले जाना है टूल्स में, मेल मर्ज, विजार्ड खुलेगा, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट कर लीजिए, लेटर यस, नेक्स्ट। अब यहां पे सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करना है, यहां पे हम क्रिएट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए आपके पास इतने सारे फील्ड खुल जाती है, इसमें से कुछ डिलीट कर लीजिए, ताकि यहां पे प्रॉब्लम काफी होता है स्टूडेंट्स को, वो जो सीबीएसई मटेरियल में दिया है वो थोड़ा अलग पड़ता है, तो वो सब करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पर ये भी एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तो इसी तरीके से करिए, जल्दी हो जाएगा, और ये आसान तरीका है मेल मर्ज करने का। टाइटल नहीं चाहिए मुझे, इतना फील्ड चाहिए, कंपनी भी हटा देता हूं, एड्रेस लाइन 1 भी हटा देता हूं ताकि अपना टाइम बच जाए, सिटी रखता हूं सिर्फ। चलिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी, 4 फील्ड रखी है हमने। अब यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे जो जो नाम है उसको ऐड करते जाएंगे। चलिए लास्ट नेम ही है, लास्ट नेम, या लास्ट नेम को फुल नेम कर देते हैं, इसको कस्टमाइज एक बार फिर से करेंगे। यहां फर्स्ट नेम है, वहां आया नहीं है, देखते हैं, दिख नहीं रहा यहां पे, शायद से ऊपर हो, यस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, पिन कोड, न्यू। अब न्यू में फिर से डालते हैं, चलिए कुछ भी डाल दिया, तो इसी प्रकार से जितने एड्रेस आपको चाहिए सारे यहां डालते जाइए, जब लास्ट आ जाए खत्म कर लीजिए, ओके दे दीजिए। जैसे ओके देंगे पूछेगा कि सेव करिए, तो इसे हम सेव कर देते हैं, अभी ये .csv फाइल में सेव होगा एड्रेस लिस्ट। अगर आप इसको फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं तो प्रॉपर पाथ देकर के सेव करिए, पाथ देकर के नहीं तो पाथ दीजिए प्रॉपर और सेव करिए, अदरवाइज सेव कर दीजिए डायरेक्ट, ये ओपन ऑफिस 4 यूजर डेटाबेस में सेव हो रहा है। तो फ्यूचर में कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो ये जैसे हो जाए ओके कर दीजिए। अब ओके करेंगे तो यहां ये फील्ड एक्टिवेट आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गड़बड़ किया है, तो एक बार फिर से ये स्टेप रिपीट करिए, आ जाएगा। अब यहां पे जो भी चीजें अननेसेसरी चीजें कुछ है उसे हम करेंगे डिलीट। तो यहां एडिट में जाइए, पहले यहां क्लिक करेंगे मोर में, फिर जाएंगे एडिट में, और एडिट के बाद यहां पे देखिए, एक तो नॉट मैच चीजें जो जो आ रही है वो यहां से हटाइए।
तो नॉट मैट यट मैच्ड, तो यहां पे ये है टाइटल, उसे हम करेंगे रिमूव। तो कर दीजिए डिलीट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एड्रेस लाइन वन अभी मैच नहीं कर रहा है तो उसे भी करेंगे डिलीट, और सिटी जो है उसे ले जाना चाहता हूं मैं ऊपर, तो यहां पे सिटी डाल देते हैं हम सिटी इस प्रकार से। तो अब यहां पे आपको दिख रहा है प्रॉपर, तो इसी तरीके से एड्रेस आएगा। अब जैसे आ जाता है इसको ओके कर दीजिए और यहां चले जाइए फिर नेक्स्ट वाले में, तो यहां एड्रेस भी दिख जाएगा आपको, नेक्स्ट कर देना है। अब ये आगे कुछ चाहिए तो करिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, डियर मिस्टर और जो भी करना है। उसके बाद ये एडजस्ट लेआउट आप देख लीजिए कैसा लेआउट रहेगा क्या है। उसके बाद डॉक्यूमेंट कुछ एडिट करना है तो हमें नहीं करना है, अब एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जा करके इसे कर देंगे। तो ये देखिए, तो लेटर खुला हो गया है, यहाँ पे हो गए दो, दो एड्रेस दो लेटर आ गए, चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करिए और यहाँ पे प्रिंट मर्ज और सेव, तो हम अभी सेव करेंगे, तो सेव स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आ गया, तो सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। तो सेव स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड है, सेव मर्ज डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो मुझे मर्ज चाहिए, तो मर्ज में 1 to 2 सारे डॉक्यूमेंट, या तो सिंगल एज इंडिविजुअल, जैसे भी करना है, तो यहाँ पे करके फिनिश कर दीजिए। ये आपका हो गया मेल मर्ज का प्रोसेस कंप्लीट। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिकल फाइल का जो सॉल्यूशन है मैंने दिया है, और यहाँ पर भी आपको पूरा जो फाइल है उसमें ये सारे स्टेप्स के साथ मिलेगा। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स मेंशन करके लिखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेगी। तो ये सॉल्यूशन है। अब दूसरे वीडियो में हम ये देखेंगे यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सॉल्यूशन। तो आशा रखता हूँ कि जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी आपके यहाँ ओपन ऑफिस राइटर खत्म हो चुका है, तो आप ये प्रैक्टिकल कंसिडर करके इसके जैसा भी बना सकते हैं, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है इस फाइल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप देख लीजिए, स्टेप्स लिखे आप कैसे इसे ढूंढ पाएंगे। तो करिए और एक्सेस करिए इसे, और आपके कोई डाउट्स है तो जरूर कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।